अमेरिका के जिस शहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को भारत अमेरिका की दोस्ती का संदेश दिया था, वहां से कुछ ही दूरी पर एक अमेरिकी सिख पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। टेक्सास की पुलिस के मुताबिक ह्यूस्टन के नजदीक भारतीय मूल के सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल को तब गोली मार दी गई जब उनकी ड्यूटी एक ट्रैफिक स्टॉप पर थी। टेक्सास पुलिस अधिकारी के मुताबिक संदीप सिंह धालीवाल ने एक कार को रोका। इस कार में पुरुष और एक महिला बैठे थे। अधिकारी ने कहा कि घटनास्थल पर लगे कैमरे के मुताबिक पहले संदीप धालीवाल और कार में बैठे शख्स के बीच कुछ बात हुई। इसके बाद संदीप अपनी कार में वापस आ गए। कुछ ही सेकंड में हमलावर दौड़ता हुआ आया और संदीप को गोली मार दी। संदीप धालीवाल को तुरंत हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर की पहचान हो गई है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। संदीप सिंह धालीवाल टेक्सास के सीनियर पुलिस अधिकारी थे और 10 साल से ड्यूटी में थे। पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे हैं। टेक्सास पुलिस अधिकारी एड गोंजालेज ने कहा कि संदीप सिंह एक जिंदा दिल इंसान थे। जब अगस्त 2017 में टेक्सास में हावी तूफान आया था तो उन्होंने प्रभावितों की खूब मदद की थी। 4 साल पहले टेक्सास पुलिस डिपार्टमेंट ने एक कानून बनाकर संदीप सिंह को पगड़ी पहनने और दाढ़ी रखने की इजाजत दी थी। पुलिस अधिकारी एड गोंजालेज ने कहा कि वे इस घटना से बेहद दुखी हैं और अपनी भावनाएं जाहिर करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। न्यूज़ डेस्क।